गाइस वेलकम बैक। तो एसएस राजामौली द जीनियस मैन खुद शेयर किया था अपना ट्विटर पे, तो फाइनली आ गया, लेकिन हम लेट है। चलिए बिना कोई बात वेस्ट करे देख लेते हैं इसका। बस के पन्नों में दबी शूरवीरों की धरती माहिष्मति, जब अमरेंद्र बाहुबली माहिष्मति के शत्रुओं का सामना कर रहा था, उसके अपने भाई लाल देव ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। इससे पहले एक और कहानी थी माहिष्मति के इतिहास की, ऐसी भागा था जिसमें बाहुबली को अपनी सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कौन हो तुम? नाम से दत्त देव, काम से काल दूत, इनकी एक ललकार ने कई राज्यों के सिंहासन पलट दिए। चला दो माहिष्मति को। दत्तदेव माहिष्मति पर राज नहीं करना चाहता, बल्कि उसे इतिहास से ही उखाड़ फेंकना चाहता। हम उन्हें दिखाएंगे असली ताकत कहाँ होती है। सामने कौन था? कालदूत की सेना का नया सेनापति था कटप्पा। सेना अपने ही गुरु से कैसे जीतेगी? अकेले उतर जाऊंगा युद्ध भूमि में, ना तुम अकेले ये कर पाओगे भल्लाल नाम का है, और एक साथ हम भारी पड़ सकते हैं। विजयी बाबू सोमिया 17 को आ रहे हैं फिर एक बार वो एपिक जर्नी यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इस बार तो कटप्पा के सामने बाहुबली बल्लाल देव दोनों साथ मिलकर लड़ाई करेगा, मतलब प्री हिस्ट्री जैसे दिखाई देगा, जो जहाँ से बाहुबली का कहानी शुरुआत हुआ उससे पहले क्या हुआ था थोड़ा सा वो दिखाई देगा। लेकिन एनिमेशन है सही है, लेकिन ये भी देखने में गुजबम दे रहा है, मतलब स्टोरी ऐसे कुछ बनाया है बहुत बढ़िया। एंड डबिंग आर्टिस्ट, आई डोंट नो हु इज द डबिंग आर्टिस्ट, ही हैज डन ए ग्रेट जॉब। एंड साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छे से यूज किया है, तो ये देखने में भी मजा आ जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है, आई थिंक बहुत सारा मूवी जो रिलीज होता है उससे ज्यादा व्यूज एंड ज्यादा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसका अवार्ड्स मिलेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें एक इमोशन जुड़ा हुआ है। सो बहुत ही एक्साइटेड है इसके लिए एंड बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन बाय।